हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम होगा द बाइकर्स पॉडकास्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू मोटरसाइकिल्स को और ऐसे टॉपिक्स जो आपकी बाइकिंग एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं जो आज का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जो है हिमालयन 450 लॉन्च हुआ है एंड कुछ लोग जो हैं जो ऑलरेडी ओन करते थे हिमालयन 411 को उन लोगों के लिए काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए आज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे बिकॉज़ आई ओन्ड द ओल्डर वर्जन ऑफ़ द हिमालयन 411 इलेवन एंड उसको मैंने रिसेंटली अभी सेल ऑफ़ किया है एंड देर आर अ कपल ऑफ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैंने क्यों सेल किया और मैं क्यों फोर लेना चाह रहा हूँ एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें शायद आप ये रिकंसिडर करें कि आपको फोर इलेवन रखना चाहिए सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं क्या हैं वो पॉइंट्स सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में uh, जो पुरानी वाली मोटरसाइकिल के अंदर थे एंड इट वॉज एन अमेजिंग मोटरसाइकिल टू ओन द फर्स्ट पॉइंट वुड बी रॉ एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन जो मोटरसाइकिल था पुराने वाला इट वॉज जस्ट प्योर रॉ मशीन फेल्ट लाइक कि बहुत पुरानी टाइप की मोटरसाइकिल है विद डैट सॉर्ट ऑफ यू नो मॉडर्न टच और उसका जो लुक्स थे वो यूनिक थे एंड इट वॉज वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल उसके जैसा मोटरसाइकिल हमने पहले कभी नहीं देखा था इट वॉज़ मोर ऑफ अ मेटल वेरी लेस प्लास्टिक ऑन इट एनालॉग मीटर्स एनोलाग डिज़ाइन विच एक्चुअली अट्रैक्टेड मी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है पुराने स्टाइल का जो मोटरसाइकिल होता है वो मीटर से याद आया जो मेरे वाला मॉडल था दैट वॉज मई 2021 जिसके अंदर कंपस उस टाइम में आता था स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक कि कंपस जो है वो कभी काम करता था कभी नहीं करता था हमेशा नॉर्थ वेस्ट का ही डायरेक्शन दिखाता था लेकिन मैं यूज़ टू हो गया और उसके बाद में जैसे जैसे मेरी मोटरसाइकिल पे काम होता रहा जैसे जैसे वो पुरानी होती रही कंपस अपने आप ठीक होता रहा सो इट वॉज़ अमेजिंग एंड इट वॉज इट वॉज नॉट लाइक वो मेरे कोई काम आ रहा था लेकिन टू हैव इट ऑन योर मोटरसाइकिल जस्ट इन केस इफ़ यू डूइंग सम एक्सप्लोरेशन शायद वो काम आ जाता सेकेंड पॉइंट वुड बी द ईज़ ऑफ यूजेज मोटरसाइकिल के ऊपर होप ऑन करना बहुत ईजी था इट वॉज़ नॉट अ रॉकेट साइंस सीट हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो थी तो उस वजह से उसके ऊपर चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा आसान था हैंडल बार की पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से आपको उसमें बैठने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था राइडर ट्राइंगल जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मुझे आज तक एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि मुझे हिमालयन का जो राइडिंग पोस्चर है वो पसंद नहीं आता सब कुछ मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो फंक्शनल था जो टैंक गार्ड्स जो उन्होंने लगा रखे थे वो भी इतने ज़्यादा फंक्शनल थे कि उसके ऊपर आप अपने बैग्स कैरी कर सकते थे अपने जेरिकेन कैरी कर सकते थे एंड वो इंडिया में फर्स्ट uh, मोटरसाइकिल ही था जिसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड टैंक गार्ड आता था लोग परचेज करते हैं अपनी बड़ी मोटरसाइकिल्स के लिए यहाँ पे एक 400 सीसी की मोटरसाइकिल के ऊपर आपको ऑलरेडी लगा लगाया आ रहा था और वो वो एक यूनिक uh, पॉइंट भी था मोटरसाइकिल का क्योंकि उससे आपकी जो अगेन इंडस्ट्रियल लुक की जो मैं बात कर रहा था वो इंडस्ट्रियल लुक इतना ज़्यादा इन्हांस हो जाता था उसकी वजह से कि वो आपको लगता था कि एक रॉ डिज़ाइन है

काफ़ी अच्छी जो जो भी आपकी फंक्शनल एक्सेसरीज हैं वो सब अवेलेबल था अदर देन द रियर रैक वो आपको आफ्टर मार्केट लगानी पड़ती थी टू हैव अ टॉप बॉक्स ऑन द मोटरसाइकिल फोर्थ पॉइंट वुड बी द मेंटेनेंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल्सो द सर्विस जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर था मेरी ओनरशिप का ऑफ दिस मोटरसाइकिल दैट वॉज प्रिटी बैड Uh, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही थी एंड दैट वाज अ प्रॉब्लम विद माय पर्टिकुलर मोटरसाइकिल जिसको धीरे 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 उन लोगों ने रिजॉल्व कर दिया था uh, एक साल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था एंड आई वाज टोटली अनॉयड विद इट लेकिन एक साल के बाद में जब आपकी एक रिलेशनशिप भी बन जाती है किसी डीलरशिप के साथ में या फिर किसी के साथ में आपका सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाता है जहाँ पे अच्छे टेक्नीशियंस हैं जो आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हों तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इट वॉज नॉट अ कंपनीज प्रॉब्लम एज सच इट वॉज द प्रॉब्लम जिसमें आपके जो टेक्नीशियंस हैं या फिर जो उनके सीनियर्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं तब वो प्रॉब्लम आता है सो so, लकीली मुझे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जो कि दिल्ली में है उसकी एक डीलरशिप है श्री राधे गोविंद ऑटोमोबल्स वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला डिस्पाइड बींग एन एंग्री एंड फ्यूरियस कस्टमर दे helped मी थ्रू आउट उन्होंने एक बार भी बुरा नहीं माना मेरे किसी भी चीज़ का जो भी मैं बोल रहा था गुस्से में उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं माना एंड उन्होंने उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट भी किया और एक्ट करने के बाद में जब से मेरी मोटरसाइकिल उनके पास में गई है थिंग्स एफ स्टार्टेड वर्किंग सो गुड कि मुझे मेरी मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं एक या दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो किसी भी मोटरसाइकिल में आ सकते हैं बट दैट वॉज एन एक्सपीरियंस जो मैं अगर उनको रेटिंग करना चाहूँ तो फाइव आउट ऑफ फाइव करूंगा बिकॉज ऑफ द वे दे अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम एंड दे रिजोल्व इट लेटर ऑन एज पर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट जो इसी में अगला पॉइंट है वो है कि स्पेयर पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है रॉयल एनफील्ड की ऑल अक्रॉस इंडिया इनकी जगह जगह डीलरशिप्स हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सभी डीलरशिप का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक जैसा है टेक्नीशियंस uh, जो हैं वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में टेक्नीशियंस जो हैं वो कितने वेल uh, well आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे या आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं इन माय केस दिस गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग परफेक्टली एंड स्पेयर पार्ट जो हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं uh, ज़्यादा टाइम आपका वेट करने का नहीं होता है उसके अंदर एंड अगेन दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि मैंने रॉयल एनफील्ड को चूज़ किया आई यूज़ टू राइड अ ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बड़ी मोटरसाइकल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हैं इंडिया में अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा नहीं है पहली चीज़ एंड दिकेंड थिंग इज़ कि उनके जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत छोटा होता है लिमिटेड होता है उसके बारे में हम अगले किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बड़ी बाइक्स जो हैं वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए दीज आर जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू आई होप कि आप सब लोग इसके साथ में सिंक कर पाएंगे एक जो बहुत अच्छी चीज थी वो ये थी कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो uh, बहुत ही ज्यादा कम रेट में कम प्राइस में अवेलेबल थे फॉर एग्जाम्पल द विंड स्क्रीन इज जस्ट सिक्स हंड्रेड रुपीज कमिंग फ्रॉम सुपर बाइक आपको जब ऐसा दिखता है कि आपकी मोटरसाइकिल का सिक्स हंड्रेड रुपीज बाई दी हो मैनुफेक्चर तो आपको एक खुशी होती है कि यार चलो मैं बहुत सस्ते में निपट रहा हूँ जब आपको पता लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो बहुत मिनिमम है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील गुड अबाउट इट कि एटलीस्ट यू हैव मोटरसाइकिल जिस जो आपकी पॉकेट के ऊपर भी हैवी नहीं पड़ती है ऊपर से जो प्राइस है उसके बारे में हम बात करेंगे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल थे एंड ज़्यादा वेटिंग पीरियड भी नहीं था सर्विस अपने आप में एक परफॉर्मेंस uh, है एक आर्ट है और स्पेशली जब आपका इंजन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस टाइम में सर्विस जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसकी जो सर्विस uh, का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड कूल इंजन में आपको जो है वो कूलेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है एंड देन लॉट ऑफ सेंसर्स कभी कभी जो सेंसर्स हैं वो अगर ख़राब होते हैं जस्ट इन केस अगर इफ़ यू हैव अ बैड डे तो वो सेंसर जो है कई बार आने में टाइम लग जाता है क्योंकि रेडीली अवेलेबल नहीं हो पाता है सबसे अच्छी चीज़ ये थी इन द ओल्डर हिमालयन कि दैट वॉज एन एयरकोल्ड इंजन सो एयरकोल्ड इंजन जो है उसके अंदर आपके पार्ट्स भी कम लगते हैं दूसरा उसकी सर्विस आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है बिकॉज उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती हैं एंड ऑल्सो द लाइफ ऑफ द इंजन वॉज लॉन्गर बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी राइड कम्फर्ट राइडिंग हिमालय वॉज सुपर कम्फर्टेबल एंड सुपर ईजी इट वॉज सो ईजी टू राइड इन दिटीज प्राइमरीली के लगता नहीं था कि आप एक बड़ी बहुत मतलब बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो कि कंप्यूटर नहीं है इट वॉज एन एडवेंचर मोटरसाइकिल विथ ट्वेंटी वन इंच द फ्रंट उसके बावजूद जो है वो सिटी के अंदर चलाना वॉज सुपर ईजी देर वॉज नो प्रॉब्लम ऐसी कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे सिटी के अंदर आई नहीं है Uh, चलाने के अंदर उसको एंड सस्पेंशन का ट्रैवल फ्रंट में 200 हंड्रेड रियर में 180 एट्टी एम एम सो इट वॉज इट वॉज रियली गुड इट वॉज अ कम्फर्टेबल राइड बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप सीट वॉज ऑल्सो गुड बट सीट वॉज ऑल्सो बैड जिसके बारे में हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स में बात करेंगे एंड द लास्ट पॉइंट वॉज द प्राइज ऑफ द मोटरसाइकिल सो माई पर्टिकुलर मोटरसाइकिल कॉस्टेड मी टू पॉइंट फोर सेवन लैक्स ऑन रोड so it was very easy on my pocket and coming from a bigger motorcycle to a smaller motorcycle, it uh, a downgrade. so like in at the same time when you look at the positives, so you feel happy about it. Ki you have saved a ton of money just because of choosing a smaller engine and also the indian manufacturer basically, india gander 2.47 lakhs for a 400 cc motorcycle, it was a great deal. So

यू नो थम्पर वाली जो फीलिंग है वो आपको मिलती है एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको बहुत ही कम ऐसे बाइक्स मिलेंगे जो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर के होंगे एंड स्पेशली सिंगल सिलेंडर ऑल्सो दैट वॉज कूल्ड इंजन सो ज्यादा ड्रामा नहीं था उसके अंदर uh, तो इस वजह से भी मैं उसको बेचना नहीं चाहता था इट वॉज ईजी टू रिपेयर इजी टू एडजस्ट एंड क्वाइट फंक्शनल मोटरसाइकिल लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसकी वजह से मैंने बेची है फर्स्ट पॉइंट वुड बी द फ्यूल इकोनॉमी

यू नो फ्यूल इकोनॉमी के चक्कर में जो है मुझे थ्रॉटल नहीं खोलना होता था ऑल्सो जब भी मैं उसको फुल थ्रॉटल पे चला भी लेता था तब भी एक तो वो 120 के ऊपर जाने में उसको बहुत मौत आती थी दैट मोटरसाइकिल वॉज हिलेरियस इन डूइंग टॉप स्पीड्स 110 के पास में इतना बस शुरू हो जाता था कि एक तक आते आते आ, मेरी बस हो जाती थी सो so, उस टाइम में फ्यूल इकॉनमी जो है दैट ग्रेजुअली drops down to almost 22 kilometers per liter. Now 22 kilometers का जो fuel economy अगर आप 400 cc की बाइक पे सिर्फ 110-120 की speed पे ही अगर आपको रखना है तो why not go for another motorcycle? क्योंकि या एक तो आपकी distance जो है वो कम time में cover हो रही है, ऊपर से आपको fuel economy भी कम मिल रही है. So you know why not go for a KTM Adventure 390 which will eventually return you with a better mileage or uh, the BMW 310 GS. सो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ़ द नेगेटिव पॉइंट द सेकेंड पॉइंट वॉज इट वॉज टू हैवी चलाने में हैवी नहीं फील होती थी बट जस्ट इन केस जस्ट इमेजन कि कभी वो पंक्चर हो गई या कभी कोई आपका कोई इंजन फेलियर हो गया या कुछ भी किसी भी तरह का फेलियर इन माय केस जो फर्स्ट ईयर जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी उसके अंदर फ्यूल पंप दो बार चेंज हुआ था एंड रात को 10 बजे मुझे उसको धक्का मारना पड़ा था और उस टाइम में मैं जानता हूं कि वो 200 किलो का जो लोहे का डब्बा में साथ लेके चल रहा था इट वॉज़ टू बैड एंड बिकॉज ऑफ दोज टू हंड्रेड किलोग्राम्स एंड लेस हॉर्स पावर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप पहाड़ों में जाते हैं उस टाइम अगर आपके साथ में पिलियन है तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा कंसिडरिंग दी हॉर्स पावर एंड टॉक फिगर्स इट वॉज़ हैवी एंड हैवियर देन मैनी अदर मोटरसाइकिल्स टू हंड्रेड किलोग्राम्स इज़ नॉट लेस इट इज़ टू हैवी थर्ड पॉइंट वुड बी वाइब्रेशं सो हिस्स द थिंग आई यूज टू राइड फॉर एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स इन वन गो मैं ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेता हूँ एंड लेना पसंद भी नहीं करता हूँ ब्रेक्स अंटेनलेस आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरी सिंगल प्लेस जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मिनिमम तीन से चार घंटे के बाद में मैं ब्रेक लेता हूँ तो तब तक अगर मैं फुल थ्रॉटल पर अगर मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ तो उस केस में क्या होता था कि बहुत सारी वाइब्रेशन जो है वो मेरे हाथ के अंदर रहती थी कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड जो बाद में आपको बहुत परेशान करती है रात को रात को काफ़ी ज़्यादा बज हो रहा होता है पूरा बॉडी आपका वो आपके हाथों को जो है वो परेशान भी कर रहा है आपको भी परेशान कर रहा है एट द सेम टाइम यूर नॉट गोइंग फास्टर यूर नॉट रीचिंग योर पॉइंट क्विकर तो वो वाइब्रेशन जो हैं वो एक इवेंचुअली इशू बन जाती हैं ऑल दो सिंगल सिलेंडर सभी वाइब्रेट करते हैं लेकिन यार उस वाइब्रेशन के वर्थ में कुछ होना भी तो चाहिए ना

फ यू कंपेयर विद द हिमालय सो दिस मोटरसाइकिल वॉज एक्चुअली स्लो यहाँ पे एक दो सब पॉइंट्स हैं जो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में रखना चाहूंगा बिकॉज इट वॉज अ स्लो मोटरसाइकिल आप एक तो अपनी डेस्टिनेशन पे काफी ज्यादा लेट पहुंचते हैं उसके पीछे ये कारण नहीं है कि आपकी मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा टॉप स्पीड नहीं कर पा रही है नो दैट वॉज नॉट द पॉइंट द पॉइंट वॉज के वेन यू ब्रेक ऑन द हाईवे जब आपके सामने कोई ट्रक आ गया है, बस आ गया और आपने ब्रेक लगाए अपनी बाइक के उसके बाद में आपको वापस जो आपने स्पीड लूज की है उसको वापस आपने गेन करना है सो गोइंग फ्रॉम लाइक हंड्रेड से अगर आप फॉर एग्जांपल फोर्टी पे आते हैं फोर्टी के बाद में आपको वापस एट्टी या हंड्रेड तक जाने में जो टाइम लगता है उसकी वजह से आपका टाइम बहुत खराब होता है दी एक्सपोरेशन वॉज रियली बैड तो दोज हॉर्स पावर्स दैट वॉज जस्ट लाइक अ फनी नंबर ऑन अ फोर हंड्रेड सी सी मोटरसाइकिल द लास्ट पॉइंट सीट ऑल दो हमने पॉजिटिव्स में ये बोला कि इसकी राइडिंग जो है राइड कम्फर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन अगर आप बात करो इसकी सीट की तो सीट की जो क्वेश्चनिंग है बिकॉज आई हैव गेंड वेट तो माई वेट इज़ समवेयर अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव किलोग्राम्स माई हाइट इज़ फाइव टेन बट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चनिंग ऑन द सीट जो मेरा वेट है वो कुशन को इतना ज़्यादा दबा देता था कि आफ्टर सम टाइम्स मेरे बम्स जो हैं वो नम हो जाते थे वाई नॉट यूज़ अ डबल फॉर्म और अ जेल पैड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बिकॉज ऑफ दिस यू गेट सो मच टायर्ड कि अगला दिन अगर आप कहीं पे कंटिन्यूशन में राइड कर रहे हैं तो अगले दिन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज uh, आपको बैक पेन भी हो सकता है uh, अगर आप फिट एंड फाइन हैं नो प्रॉब्लम अगर आप शौकीन हैं लेकिन आप फिटनेस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में ऑब्वियसली आपको क्वेश्चनिंग जो है वो बेटर चाहिए सो दीज बी नेगेटिव पॉइंट्स जिसकी वजह से आई एम सेलिंग इट ऑफ दिस बाइक वाज टू हैवी अगेन विद अ पार्टनर एट द बैक इट वाज टू हार्ड फॉर मी टू यू नो थ्रॉटल इट अप कंटिन्यूसली वी बोथ गॉट टायर्ड एट द एंड ऑफ द राइड जहाँ चार सौ सौ किलोमीटर की जो राइड है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने हज़ार किलोमीटर की राइड की है दो लोगों के साथ में इस मोटरसाइकिल के ऊपर चलना वॉज रियल बैड <laughs> कंसिडरिंग के आपका जो पार्टनर है उसका भी अगर वेट पिलिन के हिसाब से ज्यादा हुआ तो इट वॉज अ बिग बिग प्रॉब्लम जब आप कंटिन्यूसली उसको राइड कर रहे होते हैं और आप आप फुल थ्रॉटलिंग कर रहे होते हैं तो इंजन के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है और उस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यू नीड समथिंग ईजी कुछ ऐसा मोटरसाइकिल होना चाहिए जो थोड़ा सा आपको थ्रॉटल बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े ऑल द टाइम यू नो इट शुड ईजीली रीच हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू राइड एट दो स्पीड्स बट जो एक्सलोरेशन है वो इतना ईजी होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो आपकी रेस्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए सो दोज वर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द मोटरसाइकिल नाउ लेट्स सी के वॉट ऑल मोटरसाइकिल ऑप्शन डू वी हैव दी स्क्रैमलर फोर हंड्रेड ट्रायम्फ ने एक बहुत ही अच्छा इंजन लॉन्च किया है uh, वो इंजन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मैंने अपना स्पीड का एक रिव्यू बनाया है उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से मैंशन किया है उस इंजन को एंड इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल अभी स्क्रैमलर फोर हंड्रेड का भी हम रिव्यू डालेंगे विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आई एल बी पोस्टिंग अ रिव्यू फॉर दी स्क्रैमर फोर हंड्रेड एज वेल वो एक अच्छी मोटरसाइकिल हो सकती थी रखने के लिए क्योंकि स्क्रैमलर जो है दैट इज़ माई स्टाइल ऑफ राइडिंग आई लव गोइंग ऑफ द रोड एंड डू सम स्क्रैम्बलिंग बट एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा उस मोटरसाइकिल के अंदर वो ये था कि उसके अंदर अलॉय व्हील्स हैं आई वुड रियली लव टू हैव स्पोक व्हील्स प्लस आई वॉज नॉट सो श्योर अबाउट बजाज वर्क देअर आई हैड अ फ्यू इशूज वेद दाइम स्पीड फोर हंड्रेड लेकिन अभी तक मैंने टेस्ट राइड नहीं की है सो आई एम स्टिल कंसिडरिंग दामलर फोर हंड्रेड गो फॉर अ टेस्ट राइड आई एल पोस्ट रिव्यू ऑल्सो अगर मुझे वो पसंद आई तो हो सकता है कि मैं स्क्रामलर 400 के लिए भी चला जाऊँ बट आई थिंक इट इज़ बेटर कि मैं हिमालयन से स्टिक करूँ उसके कुछ रीजन्स हैं वो मैं आपको उस टाइम बताऊँगा अगर मैंने हिमालयन परचेज की तो आई एल टेल यू द रीजनस कि मैंने हिमालयन क्यों परचेज़ की और अगर मैंने स्क्रैमलर परचेज की तो वो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने स्क्रैमलर क्यों परचेज़ किया सो दी अदर मोटरसाइकिल वुड बी द के टी एम एडवेंचर थ्री नाइन्टी आई डो नॉट लाइक इट दैट्स टोटली पर्सनल बहुत सारे लोगों को पसंद आती है मुझे नहीं पसंद आई इट इज रेडी टू रेस फिलासफी विच आई एम टोटली अगेंस्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल के अंदर रेडी टू रेस का कोई लॉजिक नहीं है किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं है क्या इफ यू वॉन्ट टू रेस जस्ट बाई अ ड्यू जस्ट रेस आई नो के एडवेंचर थ्री नाइन्टी इज़ अ प्रूवन मोटरसाइकिल एंड बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक ऑल द इलेक्ट्रॉ गैजट्स एंड एवरी थिंग ऑल द न्यू हिमालय ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट अगेन जिन पॉइंट्स की वजह से मैंने पुराना वाला मोटरसाइकिल छोड़ा है वो पॉइंट्स कम से कम इसके अंदर रिपीट नहीं होंगे दैट इज दिन पॉइंट राइट ना स्क्रैमलर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज स्क्रैमलर में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जो कुछ भी है वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं एंड बींग एन एक्स ट्रायम एम्प्लॉई एक्स ट्रायम डीलरशिप एम्प्लॉ एंड ऑल्सो इन टू दर्विस डिपार्टमेंट आई नो वन थिंग एंड दैट इज की ट्रायम वुड नॉट मेक सेंसलेस मोटरसाइकिल दे ऑलवेज डू समथिंग सेंसिबल उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है वो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं करती है एंड देन इट इट वुड ऑलवेज हेल्प यू The next motorcycle would have been a BMW 310 GS, uh, I loved 310 GS, but also I hate the fact that the engine is too small, engine is too small, 313 cc, uh, that doesn't work for me, because uh, there is no replacement for displacement, wali baat hai, 310 GS jo hai, that is still a smaller engine, and when you need a good amount of torque, it's not available it's not available uh, with, with a lot of weight. if you're carrying some weight, If you long trip a obviously, you'll be carrying a lot of weight. and with the pillion, it would be too hard. and uh, other than that, bmw 310gs was just amazing. manu uh, review reviewed it against the 390 adventure. Um, and i liked the 310gs more because it is still a very functional motorcycle, very daisy sort of motorcycle, and i really loved it. But... आई जस्ट विश कि अगर बी एम डब्ल्यू में फोर हंड्रेड सी सी का इंजन होता वुड हैव लव टू बाय द बी एमडबू नेक्स्ट वुड बी ये एडवेंचर नो वेज आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट ये मैंने नाम लिखा सिर्फ ऑल्सो दे इज वन न्यू मोटरसाइकिल कमिंग एन एंड वुड बी एक्सपल्स फोर हंड्रेड नाउ दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के उसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा बिकॉज एक्सपल्स फोर हंड्रेड

जो सर्विस का स्टैंडर्ड है आई थिंक रॉयल इनफील्ड एक्सेल्स इन दैट एंड बाकी अभी तक आया नहीं है मोटरसाइकिल एंड आई रियली नीड वन बैडली राइट नाउ बिकॉज इट्स बिन टू लॉन्ग दैट आई बीन विदाउट द मोटरसाइकिल एंड आई फील रियली बैड सो एक्सपल्स फोर हंड्रेड इज समथिंग टू लुक आउट फॉर सो दोज आर द मोटरसाइकिल्स जो मैं शायद कंसिडर कर सकता था सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट आई होप कि ये टॉपिक एंड जो पॉइंट्स हमने रखे हैं वो आप सब लोग उनसे रिलेट कर पा रहे हैं अगर रिलेट कर पा रहे हैं और आपको ये पसंद आया है टॉपिक तो प्लीज आ, कमेंट कि आप कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहेंगे और आप 411 रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि रखने वाले पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं कि इट इज द लास्ट ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल जो आपके पास में रहने वाली वुड बी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक मोटर दैट्स अ मोटरसाइकिल टू हैव दोज आर द थैंक्स एंड अगर आपको ये पसंद आया है टॉपिक uh, तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहेंगे और उनको हम आगे डालेंगे और डिस्कस करेंगे एंड धीरे 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 कोशिश करेंगे कि हम uh, किसी गेस्ट को भी यहाँ पे बुलाएं सो दैट ही और शी कैन टॉक अबाउट द मोटरसाइकल्स एंड योर फेवरेट टॉपिक्स सो दैट्स एट फ्राम माई साइड नाउ एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट और है आपके पास में थैंक यू फॉर वॉचिंग